हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेल केयर प्रोसेस, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं नेल कटिंग कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे पास आर्टिकल्स में होना चाहिए नेल ब्रश, बाउल विद द गॉज पीस, ग्लव्स, नेल कटर विद द नेल फाइलर, हमारे पास स्मॉल टॉवल होनी चाहिए, मॉइस्चराइजर होना चाहिए, हमारे पास किडनी ट्रे होना चाहिए, पेपर बैग होना चाहिए, बेसिन जिसमें ल्यूक वार्म वाटर हो, पानी ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, और हमारे पास मैकिंटॉश होना चाहिए। फटाफट हम लोग जाते हैं पेशेंट के साइड पे और पेशेंट से हम लोग पूछते हैं कि लाइक जनरल कंडीशन क्या है, पेशेंट की प्राइवेसी हम लोग मेंटेन करते हैं, और पेशेंट से हम लोग कंसर्न लेने के बाद से पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग पेशेंट को पोजीशन देते हैं फाउलर पोजीशन। आफ्टर गिविंग पोजीशन टू द पेशेंट, अगर आपके पास कार्डिक टेबल है तो कार्डिक टेबल यूज़ करिए, वरना स्प्रेड करिए अपना मैकिंटॉश। मैकिंटॉश को स्प्रेड करने के बाद से हम लोग नेक्स्ट अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग को चाहिए नेल ब्रश और किडनी ट्रे। नेल ब्रश को हम लोग लेते हैं और पेशेंट के नेल्स को क्लीन करते हैं। वाइल क्लीनिंग हम लोग असेस करते हैं कि पेशेंट के नेल्स में कोई क्रैक्स तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। उसके बाद हम लोग लेते हैं अपना बेसिन जिसमें हमने रखा है ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म वाटर लेने के बाद से पेशेंट के नेल्स को उसमें डिप करते हैं 3 to 5 मिनट्स, ताकि पेशेंट के नेल्स इससे सॉफ्ट हो सके और हम लोग ट्रिम कर सके। ओके, आफ्टर दिस विल हैव द टेक आर स्मॉल टॉवल, और इससे हम लोग पैट करके पेशेंट के नेल्स को और फिंगर्स को अच्छे तरीके से ड्राई करते हैं। हम लोग पेशेंट के फिंगर्स के इन बिटवीन द भी ड्राई करेंगे। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसीजर विल हैव द टेक द आर गॉज पीस एंड द नेल कटर, और हम लोग पेशेंट के गॉज पीस को फिंगर्स पे प्लेस करते हैं रोल ओवर करके, जैसे मैंने किया। आप लोग देखिए, साइड में भी करना है, ओवर द साइड। और यहाँ पे हम लोग पेशेंट के नेल्स को 3 स्टेप में कट करते हैं। पहले आउटर एस्पेक्ट, देन मिडिल एस्पेक्ट, देन द दिस अदर आउटर एस्पेक्ट। ओके, और पेशेंट को हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे पेशेंट के नेल्स राउंड शेप में कट हो, और ताकि पेशेंट को इससे कोई इंजरी ना हो। ओके, इस तरह से करके मैंने पेशेंट के सारे नेल्स को कट कर लिया है विद द इन द राउंड शेप। ओके, और जितने भी नेल्स हैं उनको हम डिस्कार्ड करेंगे इन द पेपर बैग, और जितने भी गॉज पीसेस हमारे पास निकलेंगे उनको हम डिस्कार्ड करेंगे किडनी ट्रे। एक नेल्स के लिए हमको एक ही गॉज पीस का यूज़ करना है, विद अनदर नेल्स हम लोग यूज़ करेंगे अनदर गॉज पीस। ओके, और हम लेंगे फाइलर फ्रॉम द नेल कटर, और हम लोग पेशेंट के नेल्स को प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे, ताकि पेशेंट अपने आप को इंजरी ना कॉज करे। क्योंकि कभी पेशेंट अपने आप को स्क्रैच कर रहा है या फिर इचिंग कर रहा है, तो अगर पेशेंट के नेल्स सेट नहीं है तो पेशेंट आपको अपने आप को इंजर्ड कर सकता है। ओके, तो इसलिए हम लोग पेशेंट के नेल्स को प्रॉपर तरीके से सेट करते हैं। इस तरह से मैंने पेशेंट के सारे नेल्स को सेट कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग अब अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हम लोग लेंगे और पेशेंट के हाथ दोनों हाथों में अच्छे तरीके से सर्कुलर मोशन में अप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ पे मॉइस्चराइजर का ये है कि पेशेंट के हाथ ड्राई हो चुके होंगे बिकॉज ल्यूक वार्म वाटर में था, तो इसलिए हम लोग पेशेंट के हैंड्स को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, पेशेंट को रिलैक्स फील हो, इसलिए पेशेंट्स के हाथ में हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं विद फिंगर नेल्स पे भी और नेल्स पे भी अच्छे से। यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद से विल डन विद द प्रोसीजर। हमारे पास अब हमारा प्रोसीजर हो गया है। पेशेंट से हम लोग जनरल कंडीशन मतलब लाइक पूछ लेते हैं, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल, ओके लाइक दिस, एंड विल हैव द रिकॉर्ड ऑल द डिटेल्स इन द रिकॉर्ड बुक और द रिकॉर्ड फाइल, लाइक पेशेंट के क्रैक्स, नील्स तो नहीं प्रेजेंट है, इन्फ्लेमेशन, ऑल दिस थिंग्स विल हैव द रिकॉर्ड, एंड विल हैव द रिप्लेस ऑल द आर्टिकल्स। यहाँ पे हम लोग मैकिंटॉश को फोल्ड करेंगे और जितने भी आर्टिकल्स हमने लिए हैं उनको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं। ओके, आफ्टर रिप्लेसिंग द आर्टिकल्स विल प्रोवाइड द प्रॉपर पोजिशन टू द पेशेंट, लाइक पेशेंट को हम लोग फिर से उसके सुपाइन पोजिशन प्रोवाइड कर देंगे। पेशेंट को सुपाइन पोजिशन प्रोवाइड कर दिया और पेशेंट की प्राइवेसी को वहाँ से हटा देंगे। ओके, सो पेशेंट को सुपाइन पोजिशन प्रोवाइड करने के बाद से विल डन विद द प्रोसीजर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कॉमेंट जरूर करें।